पूज्य परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने नेत्रोदय द आई सी टी नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी प्राचीन काल से चिकित्सा जगत में अग्रणी रही। चिकित्सा जगत के जन्मदाता धन्वंतरी यहीं के थे। उनके शिष्य चरक और सुश्रुत ने सर्जरी और मेडिसिन के क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी। कालांतर में ये नींव थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन बनारस फिर भी पूर्वांचल में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पर इसमें बहुत कमियां थी। एक कमी आंख के एक बड़े अस्पताल की थी। आमतौर पर आंख के रोग के लिए दक्षिण भारत की तरफ पूर्वांचल के रोगियों को जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। और ये दावा यूं ही नहीं है, इस दावे को सच बना रहा है बनारस के डाफी बाईपास के पास बना 8 मंजिला इमारत नेत्रोदय द आई सिटी का शनिवार को परम पूज्य परमहंस अड़गड़ानंद महाराज जी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। महाराज जी ने इस मौके पर कहा कि नेत्रोदय द आई सिटी नाम में ही इस अस्पताल का सारा दर्शन छुपा हुआ है। यहाँ न सिर्फ विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा की सुविधा पूर्वांचल और बिहार के इलाके के समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को उचित कीमत पर मिलेगी, बल्कि नेत्र से संबंधित सभी तरीके से शोध के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई भी होगी। सिर्फ आंख के लिए उत्तर भारत में चिकित्सा जगत की संपूर्णता को लिए इतना बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। इस अस्पताल में 6 ऑपरेशन थिएटर हैं, जिसमें 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रहेगा। ओपीडी के 20 चैम्बर हैं। इसके साथ ही सेमिनार हॉल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, 5 स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी और लेटेस्ट डायग्नोस्टिक एवं सर्जिकल इक्विपमेंट की मशीनें उपलब्ध हैं। लोकार्पण के इस मौके पर शहर के जाने माने गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से चंद्रकला पाड्या, सावित्री देवी गनोडिया, विनीता चंद्रा, मधुबाला, डॉ अभिनव पाड्या, डॉ सुमित्रा गनोडिया इत्यादि लोग शामिल रहे। ये आज हम लोग के इस नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, जो उत्तर भारत का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा ई हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक ही छत के नीचे हर तरह की मशीनें, हर तरह का पेशेंट केयर की व्यवस्था, शिक्षण प्रशिक्षण, टीचिंग रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस, पूरा आइसोलेटेड ये 8 मंजिला भवन है। लगभग 65,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 2 एकड़ जमीन पे स्थित है। और इसमें आँख से संबंधित न केवल सभी रोगों का इलाज, बल्कि हर तरह की टीचिंग रिसर्च, ऑप्टोमेट्री, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सारा हम लोग उसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जो अभी हम लोग का लक्ष्य है कि इस सेंटर के साथ साथ अगल बगल के पूरा पूर्वांचल इलाका, पूरा बिहार हम लोग पूरे कवर करेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ से पूर्वांचल में और बिहार में जाएंगी, और वहाँ जो सबसे निचले तल के लोग हैं वहाँ पे भी उनसे सबको कनेक्ट करेंगी। अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत भी होगी तो यहाँ पे लाके उनका भी हम लोग फ्री में ऑपरेशन करने की सुविधा यहाँ पे डेवलप करेंगे। वाराणसी जनता के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक अच्छा संस्थान आपको वाराणसी में मिल रहा है, और अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। नेत्र से संबंधित कोई भी, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे इलाज हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे कम्युनिटी सर्विस हो, हम लोग एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ आप लोग को देंगे। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद हैं और हमारी माता जी डॉक्टर मधुबाला अग्रवाल जी हैं, वही बोलेंगे। डॉक्टर गोविंद एक मिनट बोलना, हमारे भाई हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, मैं डॉक्टर गोविंद खलको, कंसल्टेंट नेत्रोदय आई सी टी। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के साथ में बहुत शुरू से भी जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम लोग एक साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एक साथ हम लोग सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग पूरे यूपी में करीब 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और बिहार के भी हम लोग उतने ही करीब 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अब तक कवर कर रहे थे, और हम लोग हर तबके के लोगों को अपनी सेवाओं को पहुँचाना चाहते हैं।
सबसे निम्न लेवल से लेकर के सबसे हाई क्वालिटी तक की चीज़ों को हम लोग कवर करना चाहते हैं। उसमें हम एक साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को मर्ज करते हुए जो पुरानी पद्धति को साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग नई से नई पद्धति को साथ में जोड़ करके बड़े से बड़े लेवल पर हम लोग सर्विस देना चाहते हैं। अधिक से अधिक जनता इसकी सेवाओं को लाभ ले।